अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ना आज आपके लिए मैं लेकर आ गई डिलीशियस सी शक्कर पारे की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा ना डिलीशियस बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बनते हैं। और ये ना आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। जैसे कि हमने ना 1 किलो मैदा लिया था, तो 1 किलो मैदे के लिए हम 1 गिलास शक्कर और 1 गिलास पानी ले लेंगे। आपने यही मेजरमेंट रखना है, 1 किलो के लिए 1 गिलास शक्कर और 1 गिलास पानी लेना है। इस सबको हम मिक्स कर देना, एक मतलब चीनी घुल जाने तक की चाशनी बनाएंगे, ज़्यादा वो नहीं बनाएंगे आप। जैसे कि हमारा मेन इन्ग्रीडियंट जो है गुड्डे, इससे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे, क्या यार कुछ भी बता रहे हो, बिस्किट डालो शक्कर पारे में, शक्कर पारे अच्छे बन जाते हैं। जी हाँ, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये मेरी ना चाइल्डहुड जो है तो रेसिपी है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ना मैंने 1 किलो मैदा ले लिया है और इसको ना हम पूरा छान करके ले लेंगे, क्योंकि मैदा ऑब्वियसली बाहर का है तो उसमें थोड़े बहुत कुछ ना कुछ हो सकता हो, कुछ ऐसा आ जाए। तो हमें हमेशा ना मैदा छान करके लेना चाहिए, क्योंकि हम बाहर से लाते हैं। अब इसमें ना आधा छोटे चम्मच से भी कम हम बेकिंग सोडा डाल देंगे और नमक डाल देंगे। और मैंने ना ये 100 ग्राम डालडा घी लिया था और इसके अंदर ना एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब मॉइल लगा लेंगे एकदम अच्छे से। दोनों हाथों से भी मिक्स करना है, एक भी गुठली नहीं रहना चाहिए। अब ना इसके अंदर हम ये जो हमने बिस्किट का चूरा करके था इसके वो बनाया था, जो कुछ भी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को, एक सवाल ज़रूर पूछूंगी, क्वेश्चंस पूछूंगी लास्ट में। उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। उसका आंसर असल में मुझे भी नहीं मिल रहा, मुझसे किसी ने पूछा था तो सोचा आप लोगों से पूछ लूँ और आप लोग मुझे बता ही देंगे इसका आंसर, क्योंकि आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हैं यार। तो अब जो हमने चाशनी बना के रखी थी ना, उससे हम पूरा आटा गूंद लेंगे। हमें पूरा आटा उससे ही गूंदना है, हमें दूसरा मतलब अलग से पानी नहीं डालना है, एकदम ऐसा जुड़ जाए आटा। हमें एकदम सख्त सा आटा गूंदना है, जिससे ना हमारे जो शक्कर पारे ना एकदम ना खुसखुसे से बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब देखिए ये आटा जैसे मैंने लगाया है और इसमें ना ज़रा सी चाशनी बच गई थी तो मैंने नहीं डाली, मुझे आटा परफेक्ट लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आटा एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का है, इसलिए मैंने नहीं लगाया। और ये जो क्रैक्स है ना, तो ये क्रैक्स रहने देना उसमें, क्योंकि तलने के बाद अच्छे दिखते हैं। मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया था और कुछ इस तरीके से ठोक पिटोट के उसे गोल कर लिया था, और फिर बाद में ना इसे बेलन की हेल्प से बेल लिया था एकदम अच्छे तरीके से। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रखना है हमें रोटी को। ये देखिए एकदम अच्छे से बेल लेना। अच्छा, मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगी ना वो आप लोगों को ज़रूर से आंसर देना है उसका। और इसको बेलने के बाद में ना कट कर लेना, आप अपने मन के हिसाब से कट कर सकते हैं, जैसा आपका दिल बोले वैसे। एजेस मैंने हटा दिए थे, एजेस को मैंने दोबारा नहीं मिला के बनाया था, क्योंकि मेरे पास ना टाइम बहुत कम था, इस वजह से मैंने एजेस को वैसे ही तल लिया था जो मैंने काटा था। आप चाहे तो उसे आटे में दोबारा मिला के बना सकते हैं। अब ये देखिए मैंने ना ये खजूर शेप का कट करके बताया, मतलब कतली टाइप का कट करके बताया, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। तो मैंने ऐसे नहीं कट किए थे, मैंने इतना सिंपल चौकोन चौकोन कट किए थे, मुझे वैसे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने पूरे ना इसी तरीके से कट कर लिए थे। अच्छा, जो क्वेश्चन है ना मेरा वो ये है कि आप लोगों में से जानते हैं क्या कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके जो मीनिंग्स है ना, जो मायने हर डिक्शनरी में गलत ही आते हैं। कोई भी डिक्शनरी ले लो आप दुनिया की, उसके अंदर ना वो मीनिंग्स गलत ही आते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर ज़रूर बताना, मुझसे किसी ने पूछा था, मुझे इसका आंसर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो ये देखिए मैंने ना पूरे कट करके रख लिए थे, और फिर ना तेल हमें ऐसा लेना है कि हम उसके अंदर डालें तो बस थोड़े थोड़े बबल उठे, ज़्यादा बबल नहीं उठना चाहिए, मतलब ज़्यादा गर्म तेल हमें लेना नहीं है। और इसके अंदर हम डाल देंगे जितने आ सके तेल में, कढ़ाई में जितने आ सके हम उतने डाल देंगे, और एकदम धीमी आंच पे हम इन्हें तलने देंगे और थोड़ा उलट पलट करके हम इन्हें तलेंगे। आँच बिल्कुल भी हमें ना बढ़ाना नहीं है, ये मैंने जो है ना तो मतलब थोड़ा फास्ट कर दिया था वीडियो को, इस वजह से ये ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जल्दी, पर मुझे ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था। ये देखिए, और एकदम हल्के हाथों से इन्हें उलट पलटना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट में ये अच्छे से ब्राउन हो जाते हैं। और खाने में तो यार इनका क्या कहना, इनका कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे टेस्ट करते हैं। इसको ना आप साल भर रख सकते हैं, वैसे आप रख नहीं पाएंगे इसको साल भर, पूछो क्यों, ये इतने टेस्टी बनते हैं कि ये हफ्ते भर में आपके ख़त्म हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और जो हमने इसमें गुड्डे बिस्किट डाला है ना, उससे इसका टेस्ट ना 2 गुना बढ़ जाता है भाई। अब अलग से काजू बादाम खरीद के कौन डाले, जब 5 रुपये में हमें काजू बादाम मिल जा रहे हैं बिस्किट के अंदर। तो ये देखिए मैंने ना पूरे बना के तैयार कर लिए हैं,
अच्छा जब ये गर्म रहेंगे ना तो थोड़े मतलब नरम नरम से रहेंगे, पर जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे ना तो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी और कड़क कड़क हो जाएंगे। देखिए अंदर से टेक्सचर भी कितना अच्छा आ रहा है, आया है इसका। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, और वो साइड में नहीं क्या लाल बटन है वो ना पड़े पड़े बोर हो रहा है वहाँ, उसको भी दबा दीजिए। ठीक है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।